क्या सारे दुखों का कारण मोह है? पाप और पुण्य क्या है? मैंने बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब मूल कारण नहीं है। ये तो संतानें हैं किसकी? अहंकार की, जो ईगो हमारे भीतर पैदा हो जाता है, जो जन्म के साथ डेवलप कर लेते भीतर ईगो। हमारा मूल स्वभाव आत्मा का है, परम आनंद का, लेकिन पैदा होने के बाद से हमारी ईगो पैदा होने लगती है, हम मैं को पैदा करने लगते हैं। ये अहंकार ये मूल पाप है और मूल कारण है समस्त दुखों का। देखो जिन जिन बातों को लोग क्रोध आता है, लोभ होता है, लोभ होता है किस लिए? अहंकार की वजह से। अरे उसका मकान इतना बड़ा था, मेरा और बड़ा होना चाहिए, उसकी कार इतनी बड़ी, मेरी और बड़ी होनी चाहिए। क्रोध, अरे मुझ जैसे को तुमने ये बात बोल दी। अहंकार मूल है समस्त दुखों का। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब तो अहंकार की संतानें हैं। और अहंकार का कारण क्या है? कर्तापन का भाव, करने वाला मैं हूं, आई एम द डूअर, डूअरशिप, कर्तापन का भाव। और कर्ता भाव का विसर्जन कर दो तो क्या पैदा होगा? साक्षी भाव। तो साक्षी भाव में जीना ही पुण्य है, कर्ता भाव में जीना ही पाप। साक्षी भाव में जीना परम आनंद का महासूत्र है, कर्ता भाव में जीना परम दुख का महासूत्र है। साक्षी भाव में जीने वाला आदमी, होश में जीने वाला आदमी पाप कर ही नहीं सकता, और कर्ता भाव में जीने वाला आदमी, अहंकार में जीने वाला आदमी पुण्य कर ही नहीं सकता। होश में जीना साक्षी भाव में जीना है, कर्ता भाव में जीना, अहंकार में जीना बेहोशी में जीना है। अहंकार तो एक बेहोशी है, अहंकार कुछ होता नहीं है, मैं नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये सिर्फ भ्रम है आदमी का। कुछ चीज़ें ना होकर होने का भ्रम पैदा कर देती है। जैसे आपने कभी मसाल हाथ में ली होगी, जिसका एक सिरे में आग जलती है और तीव्र गति से घुमाइए तो लगता है ये फायर ऑफ सर्किल हैज बीन क्रिएटेड, आग का गोला बन गया, लेकिन वहाँ आग का गोला होता है नहीं, सिर्फ एक डंडी होती है जिसके एक सिरे पे आग है। तीव्र गति के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है, जैसे पंखा चलता है, तीन पंखड़ियाँ होती है, लेकिन इतना तीव्र गति से चलता है कि लगता है कि कोई सर्कल घूम रहा है, वृत्त घूम रहा है, वो भ्रम है। ऐसे ही आपको विचारों की तीव्र गति के कारण, जिसमें विचारों की स्मृतियाँ इकट्ठा होती जाती हैं, आपको लगता है मैं हूँ, वही अहंकार जो है नहीं, मैं नाम की चीज़ कोई है नहीं, वो दिखने लगती है, उसका भ्रम होता है, इसीलिए तरह तरह के उपद्रव आपकी ज़िंदगी में खड़े होते हैं। लोग पूछते हैं कि जो चीज़ है नहीं वो इतना नरक कैसे बना देती है जीवन को, इतने दुख देने वाली चीज़ें कैसे आ जाती हैं। ऐसा भी संभव है, जो चीज़ है नहीं वो भी मार देती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आप रात में उठते हैं, रस्सी पड़ी है, आपको लगता है, भ्रम हो जाता है, ये तो सांप है, और उसको देख करके सांप के भ्रम में आप उछलते हैं तेजी से, आपका सिर दीवार से टकरा जाता है, सिर फूट जाता है। किसने फोड़ा सिर? वो सांप जो है ही नहीं, उसने फोड़ दिया सिर आपका। अहंकार एक भ्रम है मैं के होने का, जो ना होकर भी आपके जीवन में उपद्रव, आपके जीवन में नरक खड़ा कर देता है। तो मूल पाप है अहंकार, उसकी जड़ है कर्ता भाव में जीना, और एक ही पुण्य है मैं साक्षी मात्र हूँ, साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव कैसे पैदा होता है? होश में रहेंगे तो भ्रम से मुक्त रहेंगे। जीवन होश पूर्ण हो तो जीवन में साक्षी भाव उतरता है और जो होना चाहिए वही होता है। और बेहोशी में रहते हो, यानी कर्ता भाव में जीते हो, अहंकार में जीते हो, तो पाप होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भगवान महावीर से किसी ने पूछा, मुनि कौन है, मुनि की परिभाषा क्या है? तो भगवान महावीर ने अद्भुत वचन कहे, उन्होंने कहा असुत्ता मुनि, जो सोया सोया न जिए वही मुनि है, वही ऋषि है, वही संत है, वही पुण्यात्मा है, जो सोया सोया न रहे। और जो सोया सोया रहे उसी से पाप होगा। सोए हुए रहने का क्या अर्थ है और होशपूर्ण रहने का अर्थ क्या है? होश में कैसे रहा जाए? होश में रहने का एक ही उपाय है, मैंने कहा छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागो, जो करो होश पूर्वक करो। अगर तुम होश में हो
तो गलत काम तुमसे हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति मुझसे आया, गुरुदेव जिंदगी भर माँ की भक्ति करता रहा हूँ, माँ की पूजा करता रहा हूँ, माँ को देवी की तरह मानता रहा हूँ, आज माँ के ऊपर मेरा हाथ उठ गया, मुझे नींद नहीं आ रही, यानी माँ पर हाथ उठ गया, वो हाथ होश में नहीं उठा, बेहोशी में उठा। अगर होश पूर्ण रहता तो हाथ नहीं उठता। और आपसे कहूँ, एक हिंदू एक मुसलमान की छाती में छुरा भोंक देता है, एक मुसलमान एक हिंदू की छाती में छुरा भोंक देता है। अगर कोई आदमी होश में है तो छुरा भोंक सकता है? नहीं। कोई पागलपन का नशा चढ़ जाता है भीतर, वो पागलपन का नशा बेहोश कर देता है, वही छुरा मार देता है। एक ही धर्म है होश में जीना, एक ही पाप है बेहोशी में जीना। होश में जियोगे पाप नहीं हो सकता, बेहोशी में जियोगे पुण्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ होश को साधो। होश को साधने के छोटे छोटे उपाय बताए मैंने। कपड़ा पहनते समय सिर्फ पूरा फोकस कपड़ा पहनने पे डालो, चाय पीते समय सिर्फ चाय पियो, मुझे सुनते समय सिर्फ मुझे सुनो, जो काम कर रहे हो पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, तुम होश पूर्ण हो जाओगे, आप जाग जाओगे जिंदगी में। जागे हुए लोगों की श्रेणी में नाम आएगा, बहुत थोड़े से लोग जागे हुए हैं इस पृथ्वी पर, और इस साधना को करके तुम जाग जाओगे। मैं आपको जो भी साधना देता हूँ अलग से बैठ के नहीं देता हूँ कि इसके लिए समय निकालो तुम, इसलिए यही साधना 21वीं सदी के आदमी के काम की है। आप दफ्तर में काम कर रहे हो, जिस फाइल को देख रहे हो होशपूर्वक देखो, आप रास्ते पर चल रहे हो होशपूर्वक चले जाओ, आप खाना खा रहे हो होशपूर्वक खाओ। एक दिन जरा ऐसा खाना खा के देखो ना कि खाना खाते समय सिर्फ खाना और तुम, सिर्फ खाना और तुम, सिर्फ खाना और तुम, खाने के अलावा और कुछ बचे नहीं। खाने के साथ साथ उसको भी देखो जो खाना खा रहा है, ये होशपूर्ण जीवन जीने की विधि है। नहाते समय नहाने के अलावा उस पर भी होश रखो जो नहा रहा है, नहाने वाले पर होश रखो। रास्ते पर चलते समय चलो, चलने के साथ साथ चलने वाले पर भी होश रखो। छोटी छोटी क्रियाओं में होश को साधो, गीता कुरान बाइबल तुम्हारे प्राणों में उतर जाएंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।